चलो यार आखिरकार हम रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। तो गाइस यार मैंने सारा का सारा सामान अपना पैक कर लिया, मैं जा रहा हूँ अपने गांव न्यू ईयर मनाने। पहले मैंने सोचा था कि यार लॉस सेंटोस में न्यू ईयर मनाऊंगा, पर मैंने सोचा अब गांव जाने की, तो अभी हम आ चुके रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर आज हमारी ट्रेन आने वाली है जो कि हमें हमारे गाँव लेके जाने वाली है और वहां पर जाके मैं बहुत ही मजे करने वाला हूँ, फुल न्यू ईयर मनाएंगे, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाले। अब देखते हैं यार कितनी देर में अपनी ट्रेन आने वाली है, मेरे से तो बिल्कुल वेट नहीं हो रहा गांव जाने का, जल्दी जल्दी ट्रेन आए फिर मैं गांव जाऊंगा। ट्रेन आ जा, ट्रेन आ जा, ट्रेन आ जा। अबे काले लड़के, तुझे पता नहीं है क्या, ट्रेन की पटरी पे नहीं खड़ा होना चाहिए। अबे मुर्गी जैसे बाल वाले, तू मुझे क्या बताएगा, चल निकल यहां से। अरे ये ट्रेन कब आएगी, एक सेकंड ट्रेन आ गई। अरे कैसे ट्रेन आ गई, पर एक सेकंड ये यहाँ पे स्टेशन पे क्यों नहीं आई, ये लोगों ने लगता है ट्रेनों को रोक लिया है। अरे अंकल क्या हो गया, ट्रेन को रोक लिया, मुझे गाँव जाना, जल्दी ट्रेन को छोड़ो। अबे लड़के मेरी बात सुन, अगर तुझे इस ट्रेन में जाना है तो हमें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, जल्दी जल्दी जेब खाली कर। क्या 10,000 रुपए? अरे मैं क्यों दूं, मैंने टिकट के पैसे दे दिए। अरे ये टिकट के पैसे नहीं है, ये हमारा टैक्स है। टैक्स? अरे कौन सा टैक्स, जल्दी ट्रेन से हटो, मुझे जाना है। अरे मिंटू क्या हो गया, अरे बॉस ये टैक्स देने से मना कर रहा है। क्यों हो गया छोरे, टैक्स दे टैक्स। अरे अंकल मैं क्यों टैक्स दूं, मैंने टिकट के तो पैसे दे दिए ना, जल्दी ट्रेन को जाना है तो मुझे जाना है। अरे छोरे अगर तुझे जाना है तो टैक्स तो देना पड़ेगा बिड़ू, टैक्स के बिना कोई नहीं जा सकता। अरे पर मैं क्यों दूं 10,000 रुपए? अच्छा बिड़ू तू टैक्स के बिना जा सकता है, पर तुझे एक काम करना पड़ेगा। हाँ बताओ बताओ। तुझे मिंटू से लड़ना पड़ेगा, अगर तू मिंटू से लड़ाई में जीत गया तो तू टैक्स मत दियो। क्या मिंटू से लड़ना पड़ेगा? आजा हम दोनों लड़ेंगे, अगर तू जीत गया तो तेरा टैक्स मैं भर दूंगा। चल छोरे शुरू करते हैं, कपड़े उतार। गाइस लगता है अब मुझे यही करना पड़ेगा, मुझे अपना टैक्स बचाना है तो इस मिंटू से लड़ना पड़ेगा। मिंटू मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, आजा आजा देखते देखते। चलो फटाफट से कपड़े उतारते हैं। हाँ मिंटू बता, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अबे ये क्या, ये तो हड्डी का ढांचा है। अरे बॉस आप तो सही कह रहे हो। सिंगल पसली। अरे ये तो बहुत ही कमजोरी। अबे सिंगल पसली तू क्या लड़ेगा, ऐसा लगता है तूने 50 साल से खाना नहीं खाया। अरे मुझे ऐसा कैसे बोल रहे हो, मेरी बॉडी देखो, मेरे एब्स हैं। अबे उसको एब्स नहीं बोलते, उसको कुपोषित बोलते हैं। अबे कमजोर चल से साइड हो जा वरना मारमुरा जाएगा। साइड हो जाओ, ये मिंटू बहुत ही खतरनाक है। तुम सब मुझे कमजोर कमजोर बोल रहे हो, पर मैं बहुत ही ताकतवर हूँ। मिंटू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसके मुंह पे एक फूंक मार, अभी हवा में उड़ जाएगा। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे इसके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। आ जा फिर, दो हाथ हो जाए। हाँ आ जाओ, दो हाथ हो जाए। चलो मैं तुम्हारे लिए चीयर करती हूँ, तुम दोनों में से जो भी जीतेगा मैं उसको पप्पी दूंगी। अरे वाह, ये पप्पी तो मुझे ही मिलेगी। मिंटू मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अबे कमजोर ये ले, ये तेरे को तो ऐसे गिरा दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो। अरे तेरे को तो मैं टच कर रहा हूँ, तू गिर जा रहा है, तू क्या मुझे मारेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अबे चल नीचे बैठ, ये ले ये ले। अरे मुझे छोड़ो, अरे मुझे छोड़ो, लग रही है मुझे। अरे तू मुझे मारने वाला था ना, निकल यहाँ से निकल। अरे बिड़ू मिंटू छोड़ दे, मर जाएगा। ओके बॉस अभी छोड़ देता हूँ, निकल यहाँ से, यहाँ पर कभी मत आना। तुम जीत गए। अरे चल जल्दी से पप्पी दे दे। अरे तक कोई मारता है क्या कोई किसी को, मुझे नहीं पता था ये मिट्टू का बच्चा मुझे इतना मारेगा, मेरी हालत तो खराब कर दी इन्होंने, ये सब के सब मुझे कमजोर समझ के मार रहे। पर मैं क्या करूँ, मैं खुद हूँ भी तो कमजोर। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं जा रहा न्यू ईयर मनाने गाँव। अगर उन्होंने ऐसा देखा कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हो गया हूँ तो सारे के सारे गाँव वाले लोग भी मेरे पर हंसेंगे। मुझे गाँव जाने से पहले खतरनाक आदमी बनना पड़ेगा, वरना सारे के सारे लोग मुझ पर हंसने वाले और मैं इनकी पूरी गैंग से बदला भी लूंगा। पर अभी नहीं, अभी मेरी हालत बहुत खराब है, अभी मैं घर पे जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। मैंने इतने दिनों से देखा नहीं था पर मैं सही में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। अब मैं वापस से मस्कुलर वाला गाय बनूंगा, मेरे पास होंगे 6 एब्स, बाइसेप, चेस्ट, सब बैक, सबका सब बना दूंगा मैं, बस आप टेंशन मत लो। मैं सोच रहा हूँ अपने घर में एक जिम बनाने की, पर एक सेकंड, जिम का सामान बहुत ही महंगा होता है, पर आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है। तो गाइजर अभी मैं घर पर आ चुका हूँ और गाइजर मैं बनाने वाला हूँ अपने घर पे खतरनाक सा फुली फंक्शनल जिम, ताकि मैं अपनी बॉडी बढ़ा पाऊँ। इस कमजोर हड्डी के ढांचे फ्रैंकलिन से मैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक फ्रैंकलिन बनने वाला हूँ। हमारा मैजिक बोर्ड हमारे साथ है और उस मैजिक बोर्ड पर हम बनाने वाले हैं अपना पूरा का पूरा जिम। फिर आप देखना मैं उन सबसे बदला लूंगा जिसने मुझे मारा था, पर उससे पहले मुझे अपना मुंह ठीक करना है, उसके लिए मुझे फर्स्ट एड बनाना पड़ेगा। तो गाइजर अभी हम आ चुके अपने मैजिक बोर्ड पर अपने मुंह को ठीक कर।
करने के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है पिट के आया हूँ, मतलब पिट के तो सही में आया ही हूँ, पर मुझे अपने मुंह को अपने हाथ पैर सब जगह ठीक करना पड़ेगा, नाक में से खून निकल रहा है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ अपने लिए फर्स्ट एड बॉक्स। तो फटाफट से इसको बनाते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे, पूरा का पूरा फर्स्ट एड बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद हम बनाने वाले इतनी खतरनाक चीज जिससे हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है, पर उससे पहले पूरा मुंह ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर अपन फर्स्ट एड के यहाँ पर साइन बनाने वाले ऐसे करेंगे। और गाइज़र आप देख सकते हो यहाँ पर अभी ये बस लगभग कंप्लीट हो चुका है, और ये हो गया। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इस फर्स्ट एड बॉक्स का हैंडल बनाने वाले हैं, इसको खोलना भी तो है, तो यहाँ पर बनाते हैं इसका हैंडल, और अब इसको थोड़ा कलर कर देते हैं जो कि ये लाल कलर इसके अंदर करेंगे। तो गाइज़र अभी हम इधर यहाँ पे एक सर्कल भी लगाने वाले जो की फर्स्ट एड बॉक्स में होता है, और ये हो गया डन। अब बार बार का तो पूरा का पूरा रेड होने वाला है, और ये हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट एड बॉक्स डन हो चुका है। और एक सेकंड, मुझे यार दो तीन चीजें और भी बनानी है, जैसे कि एक इंजेक्शन, जो कि इंजेक्शन लगाने से जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इंजेक्शन लगा लेते हैं, ऐसे कर देंगे, फटाफट से इंजेक्शन बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाए और हम अपना बदला भी वापस ले पाए। उन लोगों से बदला जरूर लेके रहूंगा। और ये हमारा इंजेक्शन यहाँ पर बन चुका है। इंजेक्शन में कलर करने की जरूरत नहीं है, इसमें कलर वलर होता नहीं है, बस इसमें यहाँ पर ऐसे करेंगे और ये डन हो गया। तो गाइस सारी दवाइयां और पट्टी करने के बाद अभी हमारा मुंह तो पूरा ठीक हो चुका है, अब बारी जिम बनाने की, जिससे हम बनाएंगे खतरनाक सी बॉडी। तो गाइस मुझे बनाना है खतरनाक सा जिम, और जिम का नाम लेते सबसे पहले आता है दिमाग में डंबल। तो हम सबसे पहले तो डंबल बनाने वाले, यहाँ पर लेंगे डंबल, इनको ऐसे करेंगे, और यहाँ पर एक डंबल हमारा बन चुका है, और ये होने वाला है पूरे के पूरे 2.5 kg का, क्योंकि मैं अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मैं 2.5 kg से ज्यादा उठा नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने 2.5 kg का बना दिया डंबल, और एक और डंबल बनाएंगे ताकि यार ये दोनों हाथों से बाइसेप लगा पाए और अपन खतरनाक कर पाए। और ये वाला थोड़ा और छोटा अपन बनाने वाले हैं, ये होने वाला है 1 kg का, 1 kg ऐसे बहुत भारी होता है देखा जाए तो। तो हमारे डंबल तो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं, अब बारी हमारे ट्रेडमिल बनाने की, क्योंकि ट्रेडमिल भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट से यहाँ पर ट्रेडमिल बनाते हैं अपना। ये बन गए अपने ट्रेडमिल के स्टैंड, यहाँ पर अपन पूरा ट्रेडमिल कंप्लीट कर देंगे, और यहाँ पर हमारा ये ट्रेडमिल बन चुका है। यहाँ से हम ट्रेडमिल पकड़ेंगे, यहाँ पर तेज तेज भागेंगे। और गाइजर हमने यहाँ पे अपना पूरा का पूरा ट्रेडमिल रेडी कर दिया है, अब देखते हैं और कौन कौन सी बनानी है एक्सरसाइज हमें, और हमें चेस्ट के लिए वो बेंच प्रेस बनानी जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो यहाँ पर फटाफट से बनाते हैं अपनी एक बेंच, और उसके साथ इसको उठाने के लिए यहाँ पे जो ऊपर जो हम वेट रखेंगे वो भी उसके लिए बना देते हैं फटाफट से, ये। और गाइजर ये तो हमारा डन हो चुका है, और अभी तक हम वेट लगाने वाले क्योंकि यहाँ पे हम वेट उठाएंगे। देखते हैं इस एक्सरसाइज को किसी को नाम पता है कि नहीं, फटाफट से कमेंट करके इसका नाम बता दो अगर आपको पता है तो। और यहाँ पर इसका वेट बन गया, यहाँ पर भी बना देते हैं, और ये भी यहाँ पर डन हो चुका है। और गाइस नॉर्मल रॉड भी हम बनाने वाले हैं, इसको फटाफट से यहाँ पर बना देते हैं, और इधर बहुत सारी वेट्स की प्लेट लगा देंगे तो कि बहुत ही ज्यादा वजन उठा पाए हम। और ये सारी की सारी है पूरे के पूरे 500-500 ग्राम की, इतनी भारी भारी हम प्लेट्स उठाने वाले हैं। और हमारा यहाँ पे जिम कंप्लीट हो चुका है। कलर तो क्या ही करना, सब यार ऐसे ग्रे कलर के वेट होंगे वहाँ पे, यहाँ पे हमारे ग्रे कलर ग्रे कलर ग्रे कलर ग्रे 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 सबका सब हम ग्रे करने वाले। और हमारे ट्रेडमिल में थोड़ा कलर कर देते, येलो कलर कर देते ट्रेडमिल में, और ये ब्लू कलर की हमारी बेंच हो गई। और गाइस सर हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा डन हो चुका है, फटाफट से इसको मंगाते रियल लाइफ में ताकि हम अपनी बॉडी बना पाए। और गाइस सर आप देख सकते हो हमारा जिम यहाँ पर पूरा का पूरा रेडी हो चुका है, यहाँ पर ट्रेडमिल आ चुके हैं, बेंच प्रेस आ चुकी है, शोल्डर वाला भी आ चुका है, और हमारे डंबल्स भी आ चुके हैं। इन सब से हम बनाने वाले दुनिया की सबसे खतरनाक बॉडी। सबसे पहले करेंगे हम पुशअप्स, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। आप सोच रहे हो कि हजार हजार के बोल रहा हूँ, मेरी गिनती तो ऐसे ही चलती है, ये 1,00,000। अब हम करेंगे शोल्डर वाली एक्सरसाइज, मेरे शोल्डर्स होने चाहिए बहुत ही खतरनाक ताकि हम उन सभी को मजा चखा पाए। उसके बाद बाइसेप्स की बारी, क्योंकि अपने बड़े बड़े डोले भी होने चाहिए, उनको अपने डोलों के बीच में रख के पूरा का पूरा कुचल दूंगा मैं। चलो बहुत ही खतरनाक बॉडी बनाएंगे। तो अभी मैं यार बहुत ही देर से जिम कर रहा हूँ, अब देखते हैं क्या हमारी बॉडी बन चुकी है। और ये मेरे बाइसेप्स देखो कितने ज्यादा बड़े हो चुके हैं, ये क्या मेरी बॉडी का है, अरे मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अरे गाइज़र इतनी देर जिम करने के बाद कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ा है, अरे अब क्या होगा, मैं उनसे कैसे बता लूंगा, मैं तो अभी भी कमजोर का कमजोर हो रखा हूँ। तो गाइज़र मुझे पता चल चुका जिम करने से जल्दी बॉडी तो बनने नहीं वाली, इसलिए मैं इस ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर खुद की बॉडी बनाने वाला हूँ। पहले मैंने सोचा नहीं, पर अब मैंने सोच लिया, मैं बहुत ही
ज्यादा खतरनाक बॉडी बनाने वाला और दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनने वाला हूँ। तो गाइस यार, जिम वाला तो प्लान हमारा फेल हो गया, पर ये वाला प्लान हमारा बिल्कुल फेल होने वाला, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं जिम करके बॉडी बनाने वाला, पर नहीं, मैं डायरेक्ट एक बॉडी वाला इंसान बनने वाला हूँ और वो मैं बन जाऊंगा ताकि मेरी बॉडी बन जाए। चलो फटाफट से मुंह से हम शुरुआत करने वाले हैं, उसकी पूरी की पूरी बॉडी बनाने वाले। तो यहाँ पर अपन लेके जाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं बड़े बड़े डोले, बहुत ही ज्यादा खतरनाक डोले वाला ये इंसान हमारा होने वाला है। इस साइड में यहाँ पर बनाने वाले डोले बड़े बड़े, तो ये तो हमारा डन हो गया। अब इसके हम बड़े बड़े हाथ बनाने वाले, तो गाइस इसके हाथ बहुत ही ज्यादा बड़े होने वाले कि ये गाड़ियां उठा उठा के फेंक सके, इतने बड़े मैं इसके हाथ करने वाला हूँ। और यहाँ पर भी इसको कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर भी इसको देंगे बड़े बड़े टोले और यहाँ पे बड़े बड़े हाथ। तो हमने बड़े हाथ भी बना दिए, बड़े टोले भी बना दिए, अब इसकी बाकी की पूरी बॉडी बनाने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और यहाँ पर हम इसकी ये बेल्ट भी बनाने वाले हैं, इसकी बेल्ट यहाँ पर ऐसे बन जाएगी। अब बाकी के इसके पैर भी बना देते हैं, यहाँ पर ये पहनने का चड्डे छोटे छोटे और यहाँ पर ऐसी चड्डी हमने इसकी बना दी है। इसके बड़े बड़े पैर ही बना दिए, उसके पैरों में भी डोले बने हुए, तो यहाँ पर इसके पूरा का पूरा पैर बन गया और इसके डोले बन गए और इस साइड भी डोले और ये पैर यहाँ पे मेरे डोले। तो ये अभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी पूरी की पूरी बाकी की बॉडी बनने वाली है, जैसे कि एब्स, चेस्ट, बाकी की चीजें सब यहाँ पर हम इसके ऐसे करेंगे और यहाँ पर इसके एब्स बनाते 2, 4, 6, 8 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने यहाँ पर इसके 10 एब्स पूरे के पूरे बना दिए। और अब फटाफट से इसको कलर करते हैं, उससे पहले इसकी आंखें बना देते हैं, बिल्कुल फ्रैंकलिन जैसी आंखें होगी तो यार बिल्कुल सेम लगने वाले हैं दोनों। यहाँ पे बन गई आंखें, ये बन गया मुंह और ये नाक, और ये सब का सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लग रहा है। और इसकी थोड़ी यहाँ से नसें भी हम निकाल देते हैं, खतरनाक सा लगना चाहिए ये, ऐसे करेंगे यहाँ पर ऐसे, इस साइड भी थोड़ा सा कर देते ताकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लगे। ये इतना ज्यादा पावरफुल होने वाला है, उस पूरी की पूरी गैंग को मैं खत्म करने वाला हूँ। अब कलर करना शुरू करते हैं, सबसे पहले बालों में कलर करेंगे, ये हो गया बालों में कलर। अब फ्रैंकलिन का कलर है ब्राउन, तो इसको ब्राउन करने वाले हैं। इसके पैर भी हमने यहाँ पे ब्राउन कर दिया, इसका मुंह भी यहाँ पे ब्राउन कर देते हैं, लग रहा है ना बिल्कुल फ्रैंकलिन सा। वैसे तो फ्रैंकलिन का कलर ये है, पर हम कोई बात नहीं, इसको ब्राउन कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगता है ब्राउन में। और इसकी आंखों को मैं करने वाला हूँ ब्लू कलर, ब्लू कलर की आंखें है नहीं पर बन जाएगी कोई बात नहीं। और इसकी चड्डी को अपन कलर कर देते हैं और इसकी बेल्ट को भी अपन कलर कर देते हैं ब्राउन ही ब्लैक करते हैं, और इसकी बेल्ट को भी हमने कलर यहाँ पर कर दिया है। तो गाइस ये हमारा यहाँ पे डन हो चुका है, हमारा खतरनाक सा सुपर हीरो। और हम इसकी पावर अप बढ़ाने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे पावर इनटू 100। इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है और ये बनने वाला दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान। और ये ड्रॉइंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। और ये क्या, मैं बन चुका हूँ दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी। आप देख सकते हो मेरी बॉडी कितनी ज्यादा खतरनाक बन चुकी है, पहले मैं कितना ज्यादा कमजोर था पर अब मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। मेरे यहाँ पर गिरने से आप देख सकते हो कितना बड़ा खड्डा मैंने यहाँ पर जमीन में कर दिया और मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। चलो गाइस थोड़ी शक्ति अपनी टेस्ट करते हैं, मुझे क्या क्या शक्ति मिली है। एक तो मैं इतने लॉन्ग लॉन्ग जंप मार पा रहा हूँ और इस गाड़ी को उठा के मैं फेंक सकता हूँ। और गाइस अभी आप देखो मैं इस ट्रक को टच करूंगा और ये उड़ते हुए चली गई, वापस से दूसरी ट्रक को भी टच करते हैं और ये भी उड़ते हुए चली गई, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। चलो अब चलते और अपना बदला पूरा करते हैं। तो गाइस आखिरकार मैं उसी रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ जहाँ पर इन्होंने मुझे बहुत मारा था। अरे मुन्ना ये कौन आ गया? मैं वही हूँ जिसको तुमने पतला समझ के, कमजोर समझ के बहुत मारा था, और अब देखो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा और सबसे पहले उस मिंटू के बच्चे को मारने वाला हूँ। कहाँ है वो मिंटू? अरे अरे छोरे कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हमसे भी हो जाती है। गलती अभी तुम्हारी ऐसे की तैसी करता हूँ, कहाँ है मिंटू? इनमें से मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। इधरा इधरा कहाँ भाग रहा है? अरे भागो, तुम में से कोई कहीं नहीं जा पाएगा। रुक जाओ, ये सब के सब लोग भाग रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, निकल यहाँ से। उस टाइम तो सब लोग मुझे मारे जा रहे थे। तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने इन सब की हालत खराब कर दी है और आधे लोग भाग गए, पता नहीं कहाँ भागे। अरे एक सेकंड, ये भागा नहीं, ये तो इधर ही मर गया। मैंने सोचा ये भाग गया था, और जब मैं बहुत ही पतला था उसने मेरे को इतनी लाते मारी थी, इतनी लाते, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ऐसे मुक्का मारा और ये सब के सब लोग यहाँ पर मर चुके हैं। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है, भागो। ये काला पतला लड़का कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, मैं इससे लड़ नहीं सकता। अगर इसको पता चल गया कि मैं अभी तक जिंदा हूँ तो ये मुझे मार देगा। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं एवेंजर्स को फोन करने वाला हूँ, वो आके इसको मारेंगे। जल्दी जल्दी एवेंजर्स को फोन लगाते हैं। हेलो एवेंजर्स, मेरी बात सुनो, लॉस सेंटोस में एक खतरनाक
इंसान आ चुका है, वो सभी लोगों को मार रहा है, रेलवे स्टेशन पे अफला तफरी हो रही है, जल्दी आके हमें बचा लो। तुम टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं। हल्का रहे, किसी को नहीं छोड़ेगा। मैंने अभी एवेंजर्स को बुला दिया है, सारे के सारे एवेंजर्स इसको नहीं छोड़ेंगे। इनमें से यार मुझे मिंटू दिखाई नहीं दे रहा, उसने मुझे सबसे ज्यादा मारा था, पता नहीं कहां गया मिंटू। लगता है भाग गया साला, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। मिंटू। A few moments later. सारे के सारे एवेंजर्स तैयार हो जाओ, लॉस सैंटोस में नया खतरा आ चुका है, हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। अरे सर जी, तो सबको क्यों बुलाए, उसके लिए तो सिर्फ हल्की काफी है। हाँ, मैं सबको खत्म कर दूंगा। थोर उसे नहीं छोड़ेगा। चलो लॉस सैंटोस को बचाते हैं। एवेंजर्स असेंबल। तो काइजर, मेरी शक्तियाँ तो सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और मैं भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। अरे ये क्या, ये हल्का कैसा गया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लॉस सैंटोस वाले को परेशान कर रहा है, ये ले। अरे ये क्या, ये हल्का सा गया? अरे मैंने क्या किया हल्क? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मैं फ्रैंकलिन हूँ, फ्रैंकलिन। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले ये ले। अरे हल्क, मैं फ्रैंकलिन हूँ, मेरी बात तो सुन। फ्रैंकलिन? फ्रैंकलिन तो बहुत ही पतला है, वो इतना पावरफुल कैसे हो गया? अबे हल्क, यहाँ से क्यों परेशान कर रहा है, मैं फ्रैंकलिन हूँ। अरे भागो, ये हल्क कहाँ से आ गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जा। अबे ये हल्क को हुआ क्या, ये मुझे क्यों मारना चाहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अबे इधर, इसको बताना पड़ेगा मैं फ्रैंकलिन हूँ, चुपचाप बैठिए। ले तू काइजर, इस हल्क को मुझे थोड़ा मारना ही पड़ेगा, वरना ये मेरी बात सुनेगा नहीं, ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रखा है। अबे हल्क चुपचाप बैठ जा। तुमने हल्क को मारा, हल्क तुझे नहीं छोड़ेगा। अबे जाना, यहाँ से क्यों परेशान कर रहा है, ये पता नहीं हल्क को क्या हो गया, मेरे को क्यों मार रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने कुछ किया भी नहीं इसको तो। ये ले, क्या हो गया हल्क, अब उठना। मार दिया रे, पता नहीं कहां से ये हल्का बच्चा आ गया था। चलो यार चलते हैं। थोर तुम्हें नहीं छोड़ेगा आदि मानव। अरे अब ये थोर कहां से आ गया? अबे ये सारे के सारे एवेंजर्स के पागल हो गए कि मेरे को क्यों मार रहे हैं? ये हल्क और थोर मुझे क्यों मार रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, ये थोर तो मेरे से पावरफुल है, मुझे मार ना दे कहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ। अरे थोर, मैं फ्रैंकलिन हूँ, मेरी बात सुन, मैं तेरा दोस्त फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन? तुम फ्रैंकलिन नहीं हो सकते, फ्रैंकलिन अभी अपने घर पे सो रहा होगा। अरे कैसा लगता है, इसको भी बताना पड़ेगा मैं फ्रैंकलिन हूँ। अभी हल्क को समझाया था, अब इसकी बारी, ये ले थोर के बच्चे, मैं फ्रैंकलिन हूँ, मैं फ्रैंकलिन हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये ले। अरे ये थोर भी पागल हो चुका है, रुक जाओ, इसको भी खत्म करना पड़ेगा जैसे हल्क को किया था। ये ले, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये ले, पता नहीं क्या हो गया, ये हल्क और थोर को मुझे मारने पे तुले थे, अब इसको भी यहाँ पर मैंने मार दिया। चलो यहाँ से निकलते, उससे पहले कि कोई दूसरा एवेंजर आके मुझे मारने लग जाए। इंसानी गेंडे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। लॉस सैंटोस को खत्म करना चाहता है, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अरे ये क्या चल रहा है, अभी आयरन मैन क्यों मुझे मारने आ गया, मैंने कुछ किया भी नहीं है, सारे के सारे एवेंजर मुझे क्यों मार रहे, इस आयरन मैन की वैसी की तैसी, ये ऐसे मानेंगे नहीं, इन सबको खत्म ही करना पड़ेगा, जैसे थोर और हल्क को खत्म किया था वैसे इसको भी खत्म करना पड़ेगा। अरे आयरन मैन मेरी बात समझ, मैं लॉस सैंटोस को खत्म नहीं करना चाहता, मैं फ्रैंकलिन हूँ। क्या फ्रैंकलिन, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं अब पावरफुल हो चुका हूँ, मुझे पता है पहले मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था, पर अब मैं पावरफुल हो चुका हूँ, निकल यहाँ से। तो काइजर, आयरन मैन को भी हमने भेज दिया यहाँ पर, अरे ये फिर से आ गया। अरे आयरन मैन समझ जा, मैं फ्रैंकलिन हूँ, फ्रैंकलिन। तो काइजर, अभी हमने आयरन मैन को भी समझा दिया और वो लगता है समझ गया, क्योंकि अब वो उठ नहीं पा रहा। इन सारे एवेंजर्स को लगता है किसी ने गलत न्यूज दे दी कि मैं लॉस सैंटोस में तबाही कर रहा हूँ। मैं तबाही तो कर रही ना, मैं तो सीधा सीधा घर पे जा रहा हूँ, जल्दी से घर पे चलते हैं यार, पता और कोई एवेंजर ना आ जाए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये लो, अब स्पाइडरमैन की कमी थी, ये भी आ चुका है यहाँ पर। मैं तुझे लॉस सैंटोस को बर्बाद नहीं करने दूंगा। अबे कौन बोल रहा है, मैं लॉस सैंटोस को बर्बाद कर रहा हूँ, इसको भी लेके चलते, इसको मैं घर पे लेके जा रहा हूँ सीधा। अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे स्पाइडरमैन, मैं फ्रैंकलिन हूँ, मैं कोई लॉस सैंटोस को परेशान नहीं कर रहा, रुक जाओ, इसको घर पे लेके जाऊंगा तभी समझ आएगा, इनको ऐसे समझ नहीं आने वाला। अरे मुझे छोड़ दे आदि मानव। अरे कौन आदि मानव, मैं आदि मानव नहीं हूँ, मैं फ्रैंकलिन हूँ, इसको फटाफट से घर पे लेके चलते हैं। अबे स्पाइडरमैन, मैं हूँ फ्रैंकलिन, ये देख, ये मेरा घर है। अरे तुम मेरे दोस्त फ्रैंकलिन के घर पर क्यों आए हो, उसको मान नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अबे मैं फ्रैंकलिन को क्यों मारूंगा, मैं खुद ही फ्रैंकलिन हूँ, ये स्पाइडरमैन के बच्चे में भी दिमाग नहीं है, मैं समझा रहा हूँ उसको कि मैं ही फ्रैंकलिन हूँ, अपने घर भी ले आया, ये मान ही नहीं रहे। मैं अपने दोस्त फ्रैंकलिन को कुछ नहीं होने दूंगा।
अरे फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, निकल यहाँ से, तू भी निकल। इस स्पाइडरमैन के बच्चे को भी लगता है मुझे खत्म करना पड़ेगा, बाकी के सारे एवेंजर्स को तो मैंने मार दिया, अब लगता है स्पाइडरमैन की बारी आ चुकी है। ये कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं फ्रैंकलिन हूँ, मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ कि कोई मेरे पे विश्वास ही नहीं कर रहा। पर आप टेंशन मत लो, अभी इसको भी खत्म कर दे। ये ले, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो खत्म करूंगा मैं। ये ले। तो गाइस इसी के साथ स्पाइडरमैन को भी हमने खत्म कर दिया है। वैसे मैंने सारे के सारे एवेंजर्स को खत्म कर दिया है, अब लॉस सैंटोस को बचाएगा कौन? लगता है मुझे ही हमेशा लॉस सैंटोस को बचाना पड़ेगा। मैं हूँ नया लॉस सैंटोस का एवेंजर और मेरा नाम है एवेंजर। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, दुनिया का सबसे सुपर स्ट्रांग प्राणी बन चुका हूँ। तो इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाके ज्वाइन और फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।